नमस्कार मेरा नाम है नील दृष्टि के एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है आज का संपादकीय द हिंदू अखबार से जीएस पेपर टू के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है की और जीएस पेपर टू के लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि राजभवन राजभवन प्रतीक है राज्यपाल के गवर्नर के तो राज्य भवन और राज्यों की चुनी हुई सरकारों के बीच जो कुछ गतिरोध पनपा है गतिरोध की घटनाएं सामने आई हैं उस विषय को आधार बनाकर ये संपादकीय लिखा गया है तो हम बहुत कुछ जानेंगे राज्यपाल के ऑफिस के बारे में कि वो कैसा है क्या उसका इतिहास है और क्या उसका भविष्य होना चाहिए तो ये तो ब्रॉड आउटलुक हो गया अब हम बिंदुवार चर्चा करते हैं पी डी टी आचार्य साहब ने संपादकीय लिखा है वो लोकसभा के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल रहे हैं देखते हैं चारी साहब क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाल ही में जो महाराष्ट्र है और केरल है वहाँ की सरकारों और गवर्नर के बीच कुछ मुद्दों को लेकर रस्साकशी रही वो रस्साकशी ये बताती है कि किस प्रकार से जो राज्यपाल है बतौर जो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, यानी कि जो संवैधानिक हेड है राज्य का और जो वहाँ की चुनी हुई सरकार है उनके बीच के संबंध कितने नाजुक हैं या कितने नाजुक हो सकते हैं इस संभावना पर हमारी नजर डालने को बाध्य करता है तो आगे के संपादकीय में वो नजर डाली गई है ब्रीफली बताया गया है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि वहां के जो राज्यपाल हैं, उन्होंने स्पीकर का चुनाव जो कराया जाना है असेंबली में उसकी तारीख को मानने से इंकार कर दिया है कुछ कारण दिए हैं इस वजह से असेंबली स्पीकर का चुनाव नहीं कर पा रही है आगे बढ़े तो केरला में भी कुछ ऐसा ही अजीबो गरीब यानी बिजार हुआ है क्या हुआ है राज्य के गवर्नर ने वाइस चांसलर को एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कानून के अनुसार फिर से रीअपॉइंट किया लेकिन कुछ समय बाद अब यह आरोप लगाया है राज्य सरकार पर कि उन पर दबाव बनाया गया इस वाइस चांसलर को अपॉइंट करने का उनका खुद का मन नहीं था उनकी खुद का मन उनको गवाही नहीं दे रहा था खुद का मन उनका क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि गवर्नर जो है वो कानूनी तौर पर राज्य की यूनिवर्सिटीज का चांसलर भी होता है और वो राज्य की यूनिवर्सिटीज का चांसलर क्यों होता है एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी मतलब कि किसी कोई पद या कोई जिम्मेदारी आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि आप किसी ऑफिस में हैं उदाहरण के तौर पर जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं क्योंकि वे भारत के उपराष्ट्रपति हैं तो वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं तो बाई वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि वो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं इसको कहा जाएगा एक्स एक्स कैपेसिटी ठीक है तो संपादकीय कहता है कि ये तो वो वो चांसलर रहेंगे जब तक कि गवर्नर है। तो ऐसे में वो इस पद से इस्तीफा नहीं दे सकते लेकिन राज्यपाल का कहना है कि अब वो चांसलर का पद नहीं संभालेंगे तो इस प्रकार के अजीबो गरीब गतिरोध बने हुए हैं उसके बाद संपादकीय कहता है कि देखिए पहली बार तो है नहीं कि तो जो राज्य का राज्यपाल है ऐसा पहली बार नहीं है कि वो राज्य की सरकार के साथ किसी तनातनी में है यानी अपनी ही सरकार राज्य का राज्यपाल राज्य की सरकार के खिलाफ अगर बयानबाजी करे तो ये अजीब दिखता है लेकिन संपादकीय कह रहा है कि अजीब है नहीं खासतौर पे उन सभी राज्यों में जहां पर भी विपक्ष की सरकार होती है उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में विपक्ष की सरकार का मतलब क्या हुआ कि गवर्नर के जो दो रोल है एक रोल में वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का बट उसका रोल इस तरह से भी डिफाइंड है कि वो केंद्र का एक प्रकार से एजेंट है इस ये भी उसका रोल डिफाइन किया जाता है तो केंद्र में जो सरकार है उसके किसी और दल की सरकार को हम यहां पर विपक्ष की सरकार कह रहे हैं तो ऐसी सरकारों के साथ अक्सर तनातनी देखी गई है इसके उदाहरण इससे पहले राजस्थान में भी मिल चुके हैं महाराष्ट्र में भी इससे पहले इस तरह के उदाहरण मिल चुके हैं लेकिन हमारी जो जानकारी या हमारे इंटरेस्ट का जो विषय है वो अब शुरू होता है वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं ताकतें होती हैं संविधान प्रदत्त गवर्नर के पास राज्यपाल के पास उनका अपना एक इतिहास है ना सिर्फ आज़ाद भारत का बल्कि आज़ादी से पहले का भी देखते हैं संपादकीय इस विषय में क्या कह रहा है कह रहे हैं कि ये जो पूरा ऑफिस है गवर्नर का या राज्यपाल का इसका इतिहास ये है कि गवर्नर जो है वो किसी भी राज्य का सर्वे सर्वा हुआ करता था और केवल ब्रिटेन के राजा या रानी जो ब्रिटेन के मोनार्क थे उनको आंसरेबिल हुआ करता था तो ये तो है इस ऑफिस का इतिहास कि यहां से आए गवर्नर साहब लेकिन जब भारत आजाद हुआ और भारत की संविधान सभा में बहस हो रही थी तो हम पाते हैं कि वहां पर बड़े बड़े भिन्न मत थे डाइवर्जेंट व्यूज थे कि गवर्नर को राज्यपाल को किस प्रकार की ताकतें दी जाए इस प्रकार आ, कुछ लोग तो यहां तक मानते थे कि गवर्नर को उसी प्रकार की ताकतें दी जाए जैसे अंग्रेजी राज के समय थी लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब का स्पष्ट मत था कि गवर्नर को केवल एक संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभानी चाहिए बेसिकली नॉमिनल हेड यानी कि एक प्रकार से नाम मात्र का हैड नॉमिनल हेड यानी एक प्रकार से नाम मात्र का हेड तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की जिम्मेदारी दी जाए और सारी जो कार्यकारी शक्तियां हैं राज्य की वो चुनी हुई सरकार में न्यस्त हों उनमें वेस्टेड हों यही तो लोकतंत्र का मतलब है लेकिन इसके बावजूद गवर्नर के ऑफिस में या गवर्नर के पद में कुछ विवेकाधीन शक्तियों को डिस्क्रिशनरी पावर्स को निहित रखा गया अब आप पूछेंगे क्यों निहित रखा गया इसलिए निहित रखा गया क्योंकि अंबेडकर साहब का मानना था कि राज्य सरकारें जो हैं वो केंद्र सरकारों के अधीन है कई मामलों में इसलिए भी भारत के संविधान को मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कहा जाता है कि इसमें बायस है इसमें एक पक्षधरता है थोड़ी सी केंद्र के प्रति झुकाव है केंद्र के प्रति तो अम्बेडकर साहब का मानना था कि राज्य सरकारें सबॉर्डिनेट हैं केंद्र सरकारों के और इस वजह से ये इंश्योर करने के लिए ये तय करने के लिए कि ऐसा ही रहे गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दी। हम उन विवेकाधीन शक्तियों की बात भी करेंगे लेकिन अभी आगे चलते हैं वो तो आगे सम्पादकीय कहता है कि इस प्रकार संविधान सभाओं से जो गवर्नर निकल कर आया गवर्नर का पद निकल कर आया उसके पास कुछ विवेकाधीन ताकतें थी जो हम देखें अगर तो राष्ट्रपति के पास भी नहीं है राष्ट्रपति के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स उस तरह से नहीं है जिस प्रकार से राज्यपाल के पास है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है भारत के संविधान का कौन कौन से विवेकाधीन ताकतें हैं राज्यपाल के पास अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो दो तरह की ताकतें हैं एक ताकत है जो अंतर्निहित है जो कि एक तरह से प्रेसिडेंट के पास भी है अंतर्निहित छिपी हुई ताकतें हैं तो उसको तो हम नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि हम कह चुके हैं कि हम उन ताकतों की बात कर रहे हैं जिस तरह की ताकत राष्ट्रपति के पास भी नहीं है विवेकाधीन ताकत तो वो कौन सी ताकतें हैं जो स्पष्ट मैंशन है संविधान में वो कई तरह से ताकतें हैं जैसे कि एक ताकत है आर्टिकल दो में जो दी गई है कि भाई राज्यपाल किसी भी बिल को जो लेजिस्टिव असेंबली या विधानसभा द्वारा पास होकर उस तक आया है उसको अपने पास रख सकता है ये कहकर कि इसको राष्ट्रपति को भिजवाना है ये उसके पास ये अपने विवेक से राज्यपाल तय करता है वो आश्रित नहीं है इसके लिए मंत्रिमंडल के विचार पर या विवेक पर इस प्रकार से और भी चीजें हैं जैसे शेड्यूल छः के अंतर्गत जो स्टेट है आप जानते ही हैं कौन से स्टेट है चार स्टेट माने जाते हैं त्रिपुरा असम, मेघालय और मिजोरम तो इन चारों राज्यों में राज्यपाल के पास ये विशेष ताकत होती है कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं उनको फंड रिलीज करने को लेकर जो रॉयल्टी के थ्रू रॉयल्टी कहाँ से आ रही है किसी भी प्रकार के जंगल के प्रोड्यूस से उत्खनन से जो रॉयल्टी आ रही है उसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को देने का की जो ताकत है का जो डिस्क्रिशन है विवेकाधीन ताकत है वो राज्यपाल के पास है डी ए तो हो तो गए शेड्यूल सिक्स में इस प्रकार से कई दूसरी ताकतें भी हैं हम जानते हैं आर्टिकल तीन में कई राज्यों को लेकर विशेष प्रावधान हैं जैसे गुजरात को लेकर विशेष प्रावधान है महाराष्ट्र को लेकर विशेष प्रावधान है थ्री सेवेंटी वन ए में नागालैंड को लेकर विशेष प्रावधान है तो इन सब में गवर्नर्स को कुछ विशेष ताकतें मिली हुई हैं उदाहरण के तौर पे गुजरात और महाराष्ट्र के जो पिछड़े इलाके हैं जैसे विदर्भ हुए सौराष्ट्र हुए उनको लेकर गवर्नर के पास उनके विकास के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ विशेष ताकतें हैं इसी प्रकार से थ्री सेवेंटी वन ए के तहत नागालैंड में कानून को लेकर कुछ विवेकाधीन ताकतें हैं कुछ विशेष ताकतें हैं इस प्रकार की कई सारी डिस्क्रिप्शनरी पावर्स राज्य के गवर्नर्स को अलग अलग मिली हुई है हम ये भी जानते हैं कि जब दो हजार चौदह में आंध्र प्रदेश रिकॉर्ड बिल पास पारित हुआ था यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विभाजित किया गया था तब एक विशेष ताकत दी गई थी कि हैदराबाद में जो पुलिस है कानून व्यवस्था है केवल हैदराबाद शहर में उसको तेलंगाना के राज्यपाल के अंतर्गत दिया गया था तो इस तरह की विशेष डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है विवेकाधीन जो ताकतें हैं वो गवर्नर को हासिल है तो एक बात तो ये हो गई आप नोट कर सकते हैं एक बात क्या हो गई जिस पर बहस है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं गवर्नर के पास जिनके चलते वो विशेष तौर पर ताकतवर है संविधान में उसकी एटलीस्ट उसकी एक विशेष स्थिति है संविधान में जिसको हम कई मायनों में राष्ट्रपति से अलग भी देख सकते हैं क्योंकि तो कई मायनों में वो राष्ट्रपति के समान भी है जैसे वो भी नॉमिनल हेड है पर तो एक बात ये हो गई इसके आप उदाहरण भी नोट कर सकते हैं अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की दूसरी स्थिति क्या है कि संविधान में जो आर्टिकल एक है तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि राज्यपाल के ऑफिस से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा हो गया जिसमें राज्यपाल का जिक्र आता है आर्टिकल 151 लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं आर्टिकल 163 की आर्टिकल 163 में जैसे राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 74 में बताया गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जो कि राष्ट्रपति को एडवाइस देगा एड और एडवाइस देगा इसी प्रकार से आर्टिकल एक में लिखा गया है कि गवर्नर जो है राज्य की जो काउंसिल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसके अध्यक्ष सीएम होंगे तो सीएम और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एड और एडवाइस लगातार गवर्नर को दी जाएगी कार्य करने के लिए लेकिन एक बड़ा अंतर यहाँ भी आ जाता है बड़ा अंतर क्या आ जाता है कि भाषा जो है राज्यपाल वाले आर्टिकल की वो बड़ी ही वेग है कंफ्यूजिंग है कैसे है क्योंकि 1976 और 1978 में भारत में दो अमेंडमेंट पारित हुए बयालीसवा संशोधन और चवालीसवा संशोधन क्या कहते थे उन्होंने आर्टिकल चौहत्तर में जोड़ दिया कि भाई राष्ट्रपति को उसी एड और एडवाइस के साथ कार्य करना होगा जो उनको प्राइम मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे रही है प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल दे रहा है तो जोड़ा गया कि शैल एक्ट उनको उस एडवाइस पर काम करना होगा उसी एडवाइस के अनुसार काम करना होगा इस संपादकीय कहता है कि जो आर्टिकल एक है जो कि सीधे सीधे उठा लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस से उसमें गवर्नर के पास एक प्रकार से काफी ताकत छोड़ दी गई क्योंकि ये अनक्लियर रह गया ये कम साफ हुआ कि गवर्नर क्या बिना एडवाइस के भी कार्य कर सकता है आमतौर पे तो उसको एडवाइस पे ही काम करना है लेकिन ये बहुत क्लियरली लिखा नहीं गया यहाँ पर दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो माना जाता है कि राज्यों से जुड़े कमोबेश 20 कानून संविधान सभा में बिना बहुत ज़्यादा बहस के पारित हो गए उस कहानी पर हम कभी और चर्चा करेंगे लेकिन दूसरी बात यह भी मानी जाती है कि जिसका हमने जिक्र किया कि गवर्नर का ऑफिस क्योंकि बहुत ताकतवर था अंग्रेजों के समय में तो क्योंकि हु बहू उठा के ये आर्टिकल ले लिया गया तो इस वजह से भी कुछ कमियाँ रह गई मतलब क्लैरिटी की कमी रह गई लेकिन अब ये क्लैरिटी की कमी नहीं है और यहाँ पे आपको एक और बिंदु नोट में कर लेना चाहिए पहला बिंदु क्या था एक प्रकार की एम्बियोगी है यानी एक प्रकार का कंफ्यूजन है आर्टिकल एक सौ तिरसठ की भाषा में कि गवर्नर एड और एडवाइस पर मंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की एड एंड एडवाइस पर कितना निर्भर है इसमें कंफ्यूजन है लेकिन और दूसरी चीज आप क्या नोट करेंगे दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जिन्होंने इस कंफ्यूजन को हटा दिया है वो दो जजमेंट आप नोट कर सकते हैं आंसर में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पहला जजमेंट आया था शमशेर सिंह जजमेंट उन्नीस और दूसरा तो हमारे समय की बात है नवम रेबिया केस हुआ था भारत के उत्तर पूर्व में 2016 में इसका जजमेंट आया था तो इन दोनों जजमेंट्स में हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या हुआ किसी को नौकरी से निकाल दिया गया उन्होंने कोर्ट में केस दाखिल किया कि हमको ऐसे नौकरी से नहीं निकाल सकते गवर्नर के पास अधिकार नहीं है या इसी प्रकार का विधानमंडल में केस हुआ हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट क्या है शमशेर सिंह केस उन्नीस सौ चौहत्तर और नबम रेबिया केस दो हजार सोलह में सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कर चुका है कि राज्यपाल जो है वो अपने कार्यों मतलब कार्यकारी शक्तियों का उपयोग केवल मंत्री और मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल की एड और एडवाइस पर ही कर सकता है ये बात बहुत स्पष्ट है जो चुने हुए जो एकदम अपवाद की स्थितियां हैं उसका उनका जिक्र कानून की किताब में यानी संविधान में है कुछ उदाहरण हमने उन पर बात भी की तो अब आगे बढ़ते हैं अब आगे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है महत्वपूर्ण बातें हमने कर ली आगे बातें क्या है महाराष्ट्र का केस है महाराष्ट्र के सदन में विधानसभा में अभी स्पीकर का पद खाली है तो हम क्या जान लेते हैं पहली बात तो कि स्पीकर का पद आर्टिकल इसके बारे में कहता है कि हर विधानमंडल में एक स्पीकर होगा एक डेप्यूटी स्पीकर होगा और यह नहीं बताता कि वो चुने कैसे जाएंगे ये रूल्स पर छोड़ दिया गया है जो नियम बनाए जाते हैं हर विधानमंडल में जो नियम होते हैं हर विधानसभा में जो अलग अलग नियम होते हैं तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होगा उनका चुनाव कैसे होगा इसके बारे में संविधान कुछ नहीं कहता है ये नियम पर आश्रित है संविधान केवल इतना कहता है कि ए सैप जितनी जल्दी हो सके उनके चुनाव होने चाहिए कुछ कुछ राज्य विधानमंडलों में विधानसभाओं में इसको लेकर नियम बनाए गए हैं कि इतने दिनों में चुनाव हो जाना चाहिए कई जगहों पे इस तरह के नियम नहीं भी हैं तो ये बात एक जानने लायक बात थी कि आठ सौ आर्टिकल एक के तहत हर लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में स्पीकर और डेप्टी स्पीकर होना चाहिए तो खैर महाराष्ट्र की विधानसभा में नहीं है हम जानते हैं वहां पर कुछ राजनीतिक जोड़ तोड़ चलता रहा है पिछले कुछ सालों से तो वो नहीं है आ, स्पीकर और हाल ही में विधानसभा में सरकार ने ये कहा कि अब हम वहाँ पर स्पीकर अपॉइंट करना चाहते हैं गवर्नर ने कहा कि हम इस डेट को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किए थे गवर्नर ने कहा कि हम उन नियमों की स्टडी कर रहे हैं तो फिर से ये बातें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप जान लीजिए हम नहीं जानते कि कल को क्या महत्वपूर्ण तो हो जाए तो हमने आर्टिकल जाना फिर हमने जाना कि संपादकीय कहता है कि भाई कायदे से गवर्नर के पास कोई राइट नहीं है इसमें हस्तक्षेप करने का क्योंकि गवर्नर को कोई अधिकार नहीं दिया गया है आर्टिकल एक में ये तो महज रूल है जो कहते हैं कि भाई स्पीकर जो है वो तारीख को स्पीकर के चुनाव की तारीख की अनुमति जो है वो गवर्नर देगा उन रूल को सरकार बदल भी सकती है क्योंकि ये चेंज करने का राइट जो है वो सरकार के पास है तो फिर उसके बाद संपादकीय कहता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इलेक्शन हो और उसके लिए सरकार को केवल इतना करना होगा कि वो महत्व जो रूल जो रूल है हाउस का रूल है उस रूल को सरकार चेंज कर सकती है उसके पास ये अधिकार है और अभी जो राज्यपाल के पास अधिकार है डेट को सहमति देने का या ना देने का वो अधिकार उससे लिया जा सकता है इसके बाद संपादकीय कुछ और महत्वपूर्ण बातें इस विषय में नहीं कर रहा है केरला के केस में भी संपादकीय क्या कहता है कहता है कि भाई देखिए कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को रीअपॉइंट किया गया जो प्रो चांसलर थे तो देखिए यूनिवर्सिटी में एक होता है प्रो चांसलर जो अगर राज्य की यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ के प्रो चांसलर है इसके अलावा चांसलर होता है चांसलर कौन होता है आमतौर पे जो राज्यपाल है हालांकि कई कमीशन्स की रिपोर्ट रही है कि राज्यपाल को इस तरह की जिम्मेदारियां ना दी जाएं इस तरह के कार्य इस तरह की अतिरिक्त जिम्मेदारियां ना दी जाएं कि वो यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर भी हो पर बहरहाल यहाँ तो बात हो रही है कि वो चांसलर हैं तो प्रो वी सी ने सजेस्ट किया है राज्यपाल को बतौर चांसलर की जो पुराने वी थे वाइस चांसलर थे यही मेन करता धरता होते हैं ये दोनों पोस्ट तो सेरेमोनियल पोस्ट हैं तो वाइस चांसलर को भी अपॉइंट कर दिया जाए गवर्नर ने अपॉइंट भी कर दिया जो दो दो बातें जानने वाली हैं कि गवर्नर चाहते तो अपॉइंट करने से मना भी कर सकते थे क्यों क्योंकि इस बात में वो एड और एडवाइस यानी मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर नहीं है हमने बात की थी पीछे कि आ, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है अपने दो जजमेंट्स में कि आर्टिकल एक के अनुसार राज्यपाल बाध्य है एड और एडवाइस से लेकिन एक्सेप्शन के अलावा अपवादों के अलावा तो इस के कहता है कि ये बात एक अपवाद है राज्यपाल अलग से राज्यपाल के पास चांसलर होने की शक्तियां उसके पद में निहित है वो इस एडवाइस को इनकार कर सकता था और असल में सलाह तो उसको विपक्ष के नेता भी देते हैं इस विषय पर वो चाहे तो उनको भी स्वीकार कर सकता है तो ऐसे में राज्यपाल का ये कहना कि उसने प्रेशर में आकर ये बात मान ली थी और इसलिए उस पद को छोड़ना चाहते हैं अजीब तरह का गतिरोध है क्योंकि ना तो राज्यपाल को इस तरह के एडवाइस पर काम करने की आवश्यकता है और ना ही उसके पद को इस तरह के आरोप लगाना उनके पद की गरिमा को शोभा देता है तो आखिर में इस संपादकीय को इस नोट पर एंड किया जाता है कि जो राज्यपाल है वो सरकार का क्या होगा फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड सरकार के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में राज्यपाल को होना चाहिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी बोला गया था लेकिन सम्पादकीय कहता है कि लगता है कि ये विचार जो है वो न कारखाने में टूती की आवाज़ बनकर रह गया है इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से कानूनी मर्यादाओं का हनन हो रहा है भारत के सदनों में हमने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की हमने राज्यपाल से जुड़े आर्टिकल्स को की चर्चा की हमने उनके जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं विवेकाधीन ताकतें हैं उनके बारे में जिक्र किया हमने लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के चुनाव की भी चर्चा की तो ये सब बिंदु पर हो सकता है आपने नोट्स बना लिए हों नहीं तो आप इम्पॉर्टेंट बिंदु लिख सकते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी हमने चर्चा की कि गवर्नर जो है उस पद का अपना एक इतिहास है ब्रिटिश काल का और इस वजह से भी इस परिप्रेक्ष्य में भी सरकारों और गवर्नर के बीच के गतिरोध को देखा जा सकता है तो ये था आज का संपादकीय मिलते हैं आपसे कल के महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ अगले एपिसोड में